नमस्कार मित्रों मित्रों आज हम अपने इस चैनल पर आपके लिए रक्तचाप को घटाने के कुछ तरीके लेकर प्रस्तुत किए हैं। मित्रों स्वस्थ जीवन शैली अपनाना अर्थात अपने रक्तचाप के लिए उचित चयन करना, अपने वजन पर निगाह रखना, व्यायाम करना और सही आहार लेना आपके रक्तचाप को कम करता है। मित्रों आरामदायक जीवन शैली उच्च रक्तचाप का कारण है। व्यायाम प्रभावी तरीके से रक्त को पंप करके हृदय की स्थिति को उन्नत करने में सहायता करता है। सप्ताह में 5 दिन कम से कम 30 मिनट प्रत्येक बार का व्यायाम आपके रक्तचाप को कम कर सकता है। नियमित रहना महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि आप व्यायाम करना बंद करते हैं तो आपका रक्तचाप पुनः बढ़ सकता है। मित्रों रक्तचाप को नियंत्रित रखने के लिए यह जीवन शैली में किया जाने वाला सबसे प्रभावी परिवर्तन है। अधिक वजन का होना आपके हृदय पर अधिक कार्य का बोझ डालता है। यह अतिरिक्त जोर हाइपरटेंशन तक पहुँचा देता है, जबकि वजन को कम करना आपके हृदय और संबंधित नसों के कारोबार को कम करता है। यदि आप अधिक वजनी या मोटे हैं, तो वजन को कम कर लेना भी आपके रक्तचाप को नियंत्रण में लेने के लिए पर्याप्त है। मित्रों हाइपरटेंशन से पीड़ित व्यक्तियों के लिए नमक सेवन की मात्रा की सामान्य अनुशंसा प्रतिदिन 1500 मिलीग्राम की है। हमें अपने सोडियम की अधिकांश मात्रा प्रोसेस्ड आहार से मिलती है, इसलिए साबुत आहार पर टिके रहें। जब आप पोषण लेबल्स युक्त आहार लेते हैं तो उनकी सोडियम की मात्रा को निश्चित रूप से जांचें। आपके आहार में कम की गई सोडियम की केवल थोड़ी सी मात्रा रक्तचाप को कम करती है। मित्रों कम नमक या लो सोडियम करने की योजना के साथ डैश आहार रक्तचाप को कम करने में अतिरिक्त लाभ देता है। ऐसा आहार लेना जो साबुत अनाजों, फलों, सब्जियों और कम वसा वाले डेयरी उत्पादों से भरपूर हो और संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल की किफायती मात्रा से युक्त हो आपके रक्तचाप को कम कर सकता है। यह रेशे से भरपूर कम से मध्यम वसा युक्त पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम से समृद्ध आहार होता है। मित्रों कॉफी से स्वास्थ्य संबंधी कुछ लाभ होते हैं, लेकिन उसमें रक्तचाप कम करना नहीं आता। कैफीन रक्तचाप को कुछ कम समय के लिए परिवर्तन उत्पन्न कर सकता है और यह हाइपरटेंशन से रहित लोगों में भी हो सकता है। आप कॉफी पीने से पहले और पीने के आधे घंटे के भीतर अपने रक्तचाप की जांच द्वारा यह तय कर सकते हैं कि क्या आप कैफीन के रक्तचाप वर्धक प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं। यदि यह 5 या 10 अंकों से बढ़ता है तो आप कैफीन के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। मित्रों अपने जीवन में तनाव को प्रबंधित कर आप रक्तचाप को प्रभावी रूप से कम कर सकते हैं। धीमे श्वास लेने और ध्यान संबंधी अभ्यास जैसे किगोंग, योग और ताई ची तनाव हार्मोनों को कम करते हैं, जिससे रेनिन बढ़ता है जो कि रक्तचाप बढ़ाने वाला गुर्दे में स्थित एंजाइम है। निम्न रक्तचाप के लिए सुबह और शाम 5 मिनट तक अभ्यास करें। गहरी सांस भरें और अपने पेट को फैलाएं। सांस छोड़ें और अपने पूरे तनाव को उत्सर्जित कर दें। मित्रों अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन कुछ लोगों में रक्तचाप को बढ़ा देता है। अल्कोहल आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। थोड़ी मात्रा में यह आपके रक्तचाप को घटा सकता है। मित्रों धूम्रपान करने वालों को हाइपरटेंशन का अधिक खतरा होता है। हालांकि तंबाकू और सिगरेट में मौजूद निकोटीन रक्तचाप में अस्थायी उछाल देते हैं, फिर भी धूम्रपान दीर्घकालीन हाइपरटेंशन उत्पन्न करने के लिए स्वयं जिम्मेदार नहीं होता। धूम्रपान से जुड़े कारक जैसे अत्यधिक शराब पीना और व्यायाम की कमी जिम्मेदार हो सकते हैं। मित्रों रक्तचाप नियंत्रण हेतु आप डॉक्टर से रक्तचाप रोधक दवाएं ले सकते हैं। मित्रों सहयोगी परिवार और मित्र आपके स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकते हैं। वे आपके रक्तचाप को कम करने के लिए आपका ध्यान आपको अपना ध्यान रखने हेतु प्रोत्साहित कर सकते हैं। आपको डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं और आपके साथ किसी व्यायाम संबंधी कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। मित्रों हमारे इस चैनल पर आपको दी गई जानकारी यदि लाभदायी प्रतीत हुई हो और आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।